हेलो हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। मु आपनो स्वागत करुच्छे आमर ब्लॉग पीएस ब्लॉग को। आज मु गोटे रेसिपी नहीं आसी सेटा हूँ दही बैगण रेसिपी। दही बैगण म तो समस्त को जाना थी बट मु गोटे टिके ट्विस्ट करिया चाहूँगी। ये आम सोरस तेल में बैगण को सुरा सुरा कर भाजीदबा। से भजार आम हलदी लुण लंका गुंड आ जीरा गुंड अल्प टिके पकेबा बुझिपारे। तापर से आम छुंक करवा। छुंक भी सोरस तेल में कले बहुत भल लगे। से पान महुरी एंड गोटा धनिया जीरा मेथी हिंगु भृसंग पत्र शुखला लंका और कंचा लंका ये सब छुंक करके भलसे पकईदबा। देन तापर आम पूरा गैस बंद करके दही पकईदबा। दही पकईकि लुण को टे एडजस्ट कर बंद करदबा। देन आम देखु दुई घंटा पर जब खोल देन दही बैगण फ्लेवर पूरा बैगण भितर पशि जा। जदि अनहेल्दी वे हो जा हेल्दी वे करने चाहती गोटे ट्विस्ट अच्छी आपण पानी रे लुण टिके पकईदे हलदी टिके पकईकि आमर सुरा बैगण को पकईदे से दीटा बॉयल आसला सांगे सांगे काढ़ से लंका गुंड आउ भजा जीरा गुंड पकईदे। देन आउ सब प्रोसेस सेम रे सब बेले हेल्दी ट्राए करिया दरकार। आ छुंकटा सब बेले सोरस तेल रे करिवे देन बहुत बेस्ट लगे। जदि पूजा पर्वाणी दिन कर घी कले भी चलो। आपण मान का दही बैगण पसंद मत निश्चित भाव में जनइबे। एंड आउ आप न्यू ईयर प्लानिंग कौन कौन कर कम कुआटे जीवा प्लानिंग करते मते कहिबे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी। आई एम देखु ये कथा भितर आम सुंदर दही बैगण प्रस्तुत हो गला। एटा गोटे 5 मिनिट रेसीपी भितर आसुची एंड हेल्दी रेसीपी आमर वेट लॉस करने हेल्प कर। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी। एंजॉय। बाय।